हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आरके स्कूल कुसाहिल बाजार से, क्लास सेकेंड के लिए मैथ। जैसे कि कल भी मैंने आपको 1.1 पढ़ाया था यहाँ पे, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और 1.1 के फर्स्ट पेज को छोड़कर सेकेंड पेज पर आ जाइए। सेकेंड पेज में हम उसी स्टेप पर बात करेंगे जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इसमें दो टीमें थीं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में 5 प्लेयर और टीम बी में 7 प्लेयर थे। तो सेकेंड में आप देखिए, सेकेंड पेज नंबर पर आज आपको बताना है, टीम ए हैज़ खेत फिल करने के लिए बॉक्स बना है प्लेयर लेस देन द टीम बी। मतलब टीम ए में टीम बी से कितने कम प्लेयर हैं। तो बेटा, अगर फर्स्ट टीम ए में हमने आपको बताया था 5 प्लेयर और टीम बी में आपके कितने हैं 7 प्लेयर, तो टीम ए में टीम बी से कितने कम प्लेयर हैं। तो सीधे आप 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा 2। मतलब टीम ए में टीम बी से 2 प्लेयर कम हैं। तो जो आपका बॉक्स बना हुआ है, ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ए टीम ए हैज फिल करने के लिए बॉक्स प्लेयर लेस देन द टीम बी, आप वहां 2 फिल कर दीजिए ऐसे, ठीक बेटा। अब उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे फिर आपका है द प्लेयर्स ऑफ द टीम ए विल बी इक्वल टू 12 इफ द टीम ए सेंड 2 मोर प्लेयर्स इन ग्राउंड। मतलब द प्लेयर्स ऑफ द टीम ए, टीम ए के खिलाड़ी विल बी इक्वल, बराबर होंगे टू 12 के बराबर यदि द टीम ए सेंड 2 मोर प्लेयर इन द ग्राउंड। यदि टीम ए के खिलाड़ी 2 खिलाड़ी ग्राउंड में और भेज दें। फिर उसके नीचे लिखा है आपका सो, इसके आगे लिखा है 10, फिर प्लस यहाँ फिल करने के लिए बॉक्स और इक्वल कितना हो गया बेटा 12 लिखा है। तो मतलब 10 में हम कितना ऐड कर देंगे 12 हो जाए बेटा, आप यहाँ क्या भर देंगे 2। यहाँ लिखा भी है ना इक्वल टू 12, 12 होने के लिए या 12 हमें पाने के लिए 10 में कितना ऐड करना होगा 2। तो जो सामने बॉक्स है वहां फिल करने के लिए आप 2 लिख दीजिए। फिर इसके नीचे द प्लेयर्स ऑफ द टीम बी विल बी इक्वल टू ए इफ द टीम बी टू ऑफ 2 प्लेयर्स। मतलब द प्लेयर्स ऑफ द टीम बी, टीम बी के खिलाड़ी विल बी इक्वल, बराबर होंगे टू ए, मतलब ए के, इफ यदि द टीम बी टू ऑफ 2 प्लेयर्स, यदि टीम बी अपने 2 प्लेयरों को निकाल लेती है। तो फिर आप यहां देखिए नीचे लिखा है सो, फिर है आपका 12 माइनस, बेटा यहाँ लगा भी तो है माइनस, इसका मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट तो करना है आपको, लेकिन कितना, यहाँ फिर बॉक्स बना है फिल करने के लिए, फिर इक्वल आपको क्या हो गया है 10। तो आप 12 में से क्या करेंगे 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तभी तो क्या हो जाएगा, मतलब 12 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए 10। तो आप सीधे 12 में से 2 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 आपको आ जाएगा। तो ये आपको भरना है बेटा बॉक्स में, आप क्या भरेंगे यहाँ पे 2, ठीक बेटा। अब आप इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
राइट द नंबर नेम, गिनतियों का नाम लिखना है फॉलोइंग नंबर्स जो नीचे गिनतियां दी हैं। फर्स्ट आपका जैसे लिखा है 27, सब नहीं बताएंगे, बताएंगे बताऊ, इसमें जितना दिया गया है कुछ स्टेप हम आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने आप से होमवर्क के तौर पर इसे लिखेंगे। 27 है, सामने आपका बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स आप जो है जो बुक में बना हुआ है इसमें तो आप भर देंगे, लेकिन कॉपी में आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, सीधे क्या करेंगे 27 के सामने इक्वल लगा लेंगे। कॉपी की हम बात कर रहे हैं जहां से आप होमवर्क करेंगे, बुक में तो आपका बना ही हुआ है, बुक में आप सीधे भर देंगे, लेकिन जब आप होमवर्क कॉपी में नोट करेंगे तो बॉक्स आप नहीं बनाइएगा, सीधे 27 के आगे इक्वल लगा करके स्पेलिंग इसकी लिख देनी है। उसके नीचे फिर बेटा 46, 74। तो फर्स्ट आप देखिए क्या लिखा है 27, इसी की स्पेलिंग आपको लिखनी है 27। सेकेंड उसके नीचे है 46। बेटा एक चीज और, स्पेलिंग आप किसी की भी लिखना हो तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा, उसके बाद उसमें आप कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। जैसे इतना आ गया, ये आपको 20 हो गया, फिर ये 7 हो गया, इसमें आप कोई भी अक्षर लेटर में कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 46। तीसरे स्टेप में देखिए 74। इसके आगे भी इधर दिखा है 98, 46 और 80। तो बेटा यहां आपको लिखना है 98, 46, फिर ये आप 80। ठीक है बेटा, हमने आपको बताया 27, 46, 74, 98, 46 और 80। इसके नीचे जो बचते हैं 61, 34, 37, 28, 50 और 14, 93, 17, 19 और 15। इसकी स्पेलिंग आपको बुक से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक बेटा, और इसमें का जो दूसरा है राइट द नंबर कोरस्पोंडिंग टू द गिवन नंबर नेम, और जो स्पेलिंग दी गई है उसका आपको नंबर लिखना है। जैसे लिखा है 50, 65, SIXTY, 60 हो गया, इसके आगे फिर लिखा है 5। तो बेटा पता ही है 65, ऐसे आप लिख देंगे। इसके आगे है 79, बेटा यहां भी आप लिख देंगे 79। अब इसके नीचे जितने बचते हैं 88 हो गया, 41 हो गया, 55 हो गया, 68 है, 92 है, फिर जो है 94 है, 26 है, 18 है, 49 है, 40। इसको बेटा आपको होमवर्क में करना है, बुक में भी आप भर लेंगे और इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे, और एक बढ़िया मोटी सी कॉपी ले लीजिए, जितना पढ़ाया जाए उसे आप अपनी कॉपी में फेयर के तौर पर कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि टीचर जब आएगा जाएगा आपके यहाँ तो होमवर्क भी चेक करेगा और फेयर कॉपी भी। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकेंड पेज नंबर भी एंड हो गया, होमवर्क आप नोट कर लीजिए, और सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बुक परचेज करा दें, क्योंकि बुक के माध्यम से ही पढ़ाई करानी है।